नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट इस बार बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गए। उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा ने थिएटर्स में बेहद ही खराब प्रदर्शन किया। किसी ने नहीं सोचा था कि आमिर खान जैसे बड़े एक्टर की फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप साबित होगी। फिल्म के फ्लॉप होने पर कई हस्तियां अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। इसी बीच बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने भी लाल सिंह चड्ढा को लेकर बड़ा बयान दिया है। राम गोपाल वर्मा ने फिल्म के फ्लॉप होने की असल वजह भी बताई है। राम गोपाल ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में कहा, बॉक्स ऑफिस सिनेरियो को देखें, मैंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि आमिर खान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर इतना बुरा हाल होगा। अगर आमिर खान को नहीं पता कि हिट फिल्म कैसे बनाई जाती है तो बाकी लोगों का क्या होगा। राम गोपाल वर्मा ने आगे कहा कि कुछ हफ्ते पहले मैं बेंगलुरु में था, इस दौरान मैंने अपने एक परिचित से मुलाकात की। मैंने उनसे उनकी फिल्म देखने की आदत के बारे में पूछा। मैंने सवाल किया कि वो महीने में कितनी बार थिएटर जाते हैं और औसतन कितनी फिल्में OTT पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि वो और उसकी पत्नी ने सिनेमाघरों में जाना बंद कर दिया है। OTT पर फिल्म देखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो और उनकी पत्नी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म देखने की योजना बनाते हैं। 30 से 40 मिनट तक ट्रेलर देखते हैं और फिर तय कर पाते हैं कि क्या देखें। ऐसे में थक हार कर सो जाते हैं। OTT सिनेमाघरों के लिए खतरा है या नहीं, इस बारे में बोलते हुए राम गोपाल वर्मा ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यूट्यूब एक खतरा है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी वीडियो से लेकर राजनेताओं द्वारा की गई टिप्पणियां तक कई सारे 2-3 मिनट के वीडियो होते हैं जो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। वहीं OTT और थिएटर के बारे में ये मानसिकता बनी हुई है कि इनका कंटेंट देखने के लिए आपको 2-3 घंटे का निवेश करना होगा, इसलिए लोग समय को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब का चयन करते हैं। यही वजह है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है। बता दें कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा तब से शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है जब से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। इतने बस के बावजूद आमिर खान की फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है और एक्टर के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, जबकि फिल्म 180 करोड़ के बजट में बनी है। फिल्म का विरोध आमिर खान और करीना कपूर के पुराने बयानों की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है। वैसे राम गोपाल वर्मा के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।